क्या हुआ रोहित? सब ठीक है ना? आई मीन आई होप कि तुमने अपना फैसला ले लिया है कि तुम्हें क्या करना, राइट? ओए, तू क्यों इस तरह मुंह उठाकर मेरे घर में चली आती है? तू जब भी आती है मेरे परिवार की खुशी का बेड़ा गरक करके चली जाती है। दफा हो जाए इधर से। और रूही रूही कहीं नहीं जाएगी, उज भी अभी टाइम नहीं पूरा होया। दफा हो। हेलो रूही, कैसी हो तुम? मैं यहाँ रूही से मिलने के लिए आई हूँ, उसे अपने परिवार के साथ देखने के लिए। रूही बेटा, 30 दिन अब खत्म होने वाले हैं, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब तुम्हें फैसला करना होगा। तुम्हें किसी से डरने की या किसी भी प्रेशर में आके डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम 30 दिन से अपने परिवार के साथ हो, जो तुम जानना चाहती थी वो तुमने जान लिया। बोलो रूही, अपना फैसला बताओ, क्योंकि बाकी की फॉर्मेलिटीज करने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने डिसीजन ले लिया। मैं नदी मैम के साथ वापस जाने वाली हूँ। Are you sure, रूही? तुम्हारा यही फैसला है? जी मैम। I'm really sorry. अब मैं भी मजबूर हूँ इस फैसले को मानने के लिए। आप क्या बोल रही हैं? आप जानती हो कितनी छोटी है मैम, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। प्लीज डू नॉट लिसन टू हर, इसकी बात बिल्कुल मत मानिए। आप बच्ची है, उसको नहीं मालूम कि किस कुएं में जाके गिरना चाह रही है ये। प्लीज आप इसकी बात मत मानिएगा, प्लीज। आई अंडरस्टैंड इशिता, लेकिन अब फैसला हो चुका है और आपको कोऑपरेट करना होगा। रूही बेटा, आपने इतने दिनों में देखा नहीं, ये आपका परिवार है। तुमने देखा नहीं, यहाँ पे सबने हर तरह की कोशिश की है। तुमने देखा नहीं, हम लोग एक हो गए हैं। रूही, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, तुम इस परिवार का हिस्सा। तुम कहीं और कैसे जा सकती हो बेटा? देखो कह दो, तुम मजाक कर रही हो रूही, तुम कहीं नहीं जा रही ना, प्लीज। रूही पुत्र, तू तो अपनी दादी से इतना प्यार करती है, तू मैनू ये दुख देके कैसे जा रही है? मां जा पुत्र, तेरी दादी तेरे बिना नहीं रह सकती। तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे? ये क्या ड्रामा लगा रखा है हा? सुनाई नहीं दिया कि उसने क्या कहा? वो मेरे साथ रहना चाहती है, मेरे साथ जाएगी, क्यों उसे प्रेशराइज कर रहे हो? शुरू में तुम्हें समझाया था ये अपनी नौटंकियां बंद कर दो, क्योंकि डिसीजन एक ही होगा कि रूही मेरे साथ जाएगी। अब ये रोने धोने का कुछ फायदा नहीं है, समझे? ओए तू बकवास बंद कर। रूही, रूही पुत्र क्यों हुआ? तू चक्की पल्ली खुश तो थी इस परिवार में, अपने परिवार में, अपने उस परिवार में रूही, जिसे तू एक साथ देखना चाहती थी। देख पुत्र, अब हम सारे एक हो गए, अब हमें क्यों छोड़ के जा रही है? ना जा पुत्र, हमें छोड़ के ना जा पुत्र। एक तो अब हुआ है ना दादी, 7 साल तक ये सब कहाँ था? और जब मुझे निधि को 7 साल पहले दे दिया गया था, तब कहाँ था ये पूरा परिवार? आप मानो या नहीं मानो, लेकिन यहाँ सबको पता है कि सब कुछ बदल चुका, कुछ भी वैसे का वैसा नहीं है। और जो दर्द, जो तकलीफ मैंने इन 7 सालों में झेली है ना, उसे कोई नहीं समझ पाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि वो 7 साल का दर्द, वो तकलीफ ऐसे 1 महीने में खत्म हो जाएगी? मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने खुद के मम्मी और पापा पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। और मैं सच बताऊं तो मैंने इन्हें कभी माफ नहीं किया था और ना कभी करूंगी। पर भी यहाँ से जाने के बाद मैं आप सबको बहुत मिस करने वाली हूँ। हम सब तुमको बहुत प्यार करते हैं, क्या ये प्यार तुम्हारा 7 साल का दुख मिटा नहीं सकेगा? मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन क्या है ना, मुझे इस बात की गारंटी कौन दे सकता है कि जो चीज 7 साल पहले हुई थी वो दोबारा नहीं होगी? क्या पता कल को फिर से ये लोग मुझे दे दे।
फिर मैं क्या करूंगी? तो बेटर होगा कि मैं इनके साथ ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाऊं और अपनी जिंदगी वैसे ही जीने लगूं। मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं पता, ऐसा ना बोल। तेरे हम पे भरोसा नहीं है और तू तू इस वाहियात पे भरोसा कर रही है, इक्की नजब कर रही है। ऐसा ना कर रूही पता। नहीं दादी, मैं इनसे नफरत करती हूँ। आई हेट हर। लेकिन क्या है ना, मैं जाऊंगी तो सिर्फ इनके साथ, क्योंकि ये बहुत बुरी है और मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और आप लोगों से पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करूँ। रूही प्लीज, इन लोगों से कुछ मत बोलो। कुछ फायदा नहीं इन्हें कुछ भी समझाने का। रह चुकी ना इनके साथ, देख लिया ना ये लोग कैसे हैं। और क्यों रहना तुम्हें इनके साथ? अपना सामान बांधो और प्लीज अभी के अभी चलो मेरे साथ। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हम चल रहे हैं राइट? नहीं मैम, आज नहीं। आज मुझे पीहू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, उससे ढेर सारी बातें करनी है। क्या पता आज के बाद हम कभी वापस मिले या ना मिले। ऐसा ना बोल पुत्र। मैं काम करती हूँ, पुलिस स्टेशन से अपने पासपोर्ट्स कलेक्ट कर लेती हूँ और बाकी की फॉर्मेलिटीज कर लेती हूँ तब तक। हाँ, बट तुम प्लीज रेडी रहना। जी मैम। लो जी, सब काम बढ़िया हो गया। मुंह मीठा करो। लो, मीठा करने वाला मुंह मीठा कर। मम्मा बोलो ना, पापा इतने गुस्से में क्यों है? प्लीज बोलो, क्या हुआ पापा को? पीहू बेटा, पापा गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत कीमती चीज खो दी है। आपको याद है जब आपने अपनी फेवरेट डॉल खो दी थी, आप कितने अपसेट थे, किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। वैसे ही पापा भी बहुत अपसेट हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फेवरेट डॉल खो दी। फिर हम पापा के लिए एक नई डॉल ले आएंगे ना मम्मा, या फिर उनकी पुरानी डॉल ढूंढ के उनको दे देंगे। बोलो ना मम्मा, पापा की डॉल मिल जाएगी ना? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। 7 साल से अपने आप से लड़ रहा था मैं। तेरी वजह से मेरी बेटी एक बार फिर मुझसे दूर हो रही है। वो खेल वो गुस्सा सब वापस आ रहा है। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सब मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। आज मेरी बेटी चली जाएगी, कल तू चली जाएगी, फिर अकेला हो जाऊंगा मैं। बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा मैं। मुझे रमन की डॉल को ढूंढना ही होगा।
आपको पता है ना क्या करना? हाँ मुझे पता है, पापा को गेम में हारने नहीं देना। रोही दीदी पापा की डॉल है ना। गुड गुड जा। रोही दीदी। अरे पीहू तुम कब आए स्कूल से? रोही दीदी आप जा रहे हो? हाँ पीहू मैं जा रही हूँ। प्लीज मत जाओ। आओ बैठो। पीहू मुझे ना जाना होगा। पर आप क्यों जाना चाहते उस कामनी आंटी के पास? आपको पता है ना वो बहुत बुरी है। और यहाँ सब लोग हैं, दादा दादी दादू पाती दादा सब लोग हैं। और तुम भी तो हो ना यहाँ पीहू, मेरी छोटी प्रिंसेस। तुम्हें छोड़ के जाने का मन ना मेरा भी नहीं है, पर जाना तो होगा ना। तुम वहाँ नहीं होगी मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन तुम्हारी स्वीट स्वीट प्यारी प्यारी यादें तो होंगी ना। आप प्लीज मत जाओ, आप मेरे साथ रहो, मेरी यादों के साथ मत रहो। पीहू तुमने लास्ट टाइम मुझे क्या कहा था कि रूही दीदी यहाँ आके रुक जाओ? आपकी रूही दीदी रुक गई थी ना, लेकिन पीहू अब बहुत टाइम हो गया, अब आपकी रूही दीदी को वापस भी तो जाना होगा ना। देखो समझने की कोशिश करो, मेरी लाइफ वहाँ पे है, मेरा काम वहाँ पे है, मुझे ऑस्ट्रेलिया तो वापस जाना होगा ना। मुझे पता है जब आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे तो आप मुझे भूल जाओगे। तो क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? इनफैक्ट अगर मैं आज यहाँ पे इतने दिनों तक रुकी हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए था। मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तुम्हें वहां जाके बहुत मिस करने वाली हूँ, रोज याद करूंगी तुम्हें। ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पीहू? रुक जा, हाथ धोए तूने? हाँ हाथ धोए मैंने। ओए है कि मैंने तेरे को कहा था ना क्या टिंडे बनाना, क्यों नहीं बनाए? वो मम्मी जी मैंने सोचा कि ओ सोचा ना कर, आजकल इस घर में लोकी कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं। मैं जब मर जाऊँ ना तो सब अपनी अपनी चला लेना, अभी मैं जिंदा हूँ समझी तू। इस घर में वो ही होगा जो मैं बोलूंगी, अगर मैंने बोला है कि सारे सब्जी खाएंगे तो इसका मतलब है कि खाएंगे। चलो शुरू करो। नहीं नहीं मैं मेथी नहीं खाती। ओए क्यों नहीं अच्छी लगती? और नहीं भी अच्छी लगती ना तो भी खाओ, बच्चों को सारी सब्जियां खानी चाहिए। तनु पता है दुनिया में कितने लोग भूखे सोते, तीन टाइम की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती है। इस तरह वेस्ट ना करो खाना, चलो खाओ। जो पका है फेंक देंगे क्या? रूही तुम गीजर ऑफ करना भूल गई। I'm sorry, मेरा ध्यान नहीं था। और फैन भी ऑन था, वो कौन बंद करेगा? बिजली का बिल फालतू का थोड़ी आता है। बस करो आप लोग, मेरी रूही दीदी पर मत चिल्लाओ, सब लोग शांत हो जाओ। ओए कैसे शांत हो जाए, क्यों ना चिल्लाए? जब वो गलती करेगी तो डांट भी खाएगी ना, और अगर आप प्यार कर सकते तो फिर डांटने का भी तो हक है ना। वो अपनी मर्जी चला के ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, हम अपनी मर्जी से उसको डांट नहीं सकते। फिर पता नहीं कब मिलेगी ये, प्यार करने के लिए भी और डांटने के लिए भी। नीलू इशिता किधर? मम्मी जी इशिता भाभी तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है, और किधर चली गई वो? तुम्हें लगी तो नहीं? Are you fine? आदि ये देखो मैंने मेदू बड़ा बनाया है, पार्टी में सिखाया था ना, बिल्कुल उनके जैसा बनाया, सेम टू सेम। आपको तो बहुत पसंद आए, अब ना पार्टी को टेस्ट कराने जा रही हूँ। इनफैक्ट तुम भी टेस्ट करना, मुझे बताओ कैसे बने हैं। क्या ये बड़ा डोसा? नहीं चाहिए मुझे, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे नहीं खाना कुछ भी, जाओ यहाँ से। अरे पर हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तुम्हें नीति के साथ चली जाएगी और ऋषिमा तुम्हारे साथ, यही चाहती थी ना तुम, इसलिए यहाँ पे सेलिब्रेट करने आई हो, मेरा मजाक बनाने आई हो, मुझे छेड़ने के लिए आई हो ना तुम यहाँ पे। मैं नहीं चाहती।
था कोई भी दूर जाए, कोई नहीं डाला चाहिए दूर, ना रूही ना शबा। मामू आप जाके रुकी ना, आप प्लीज प्लीज मामू एक बार ट्राई कीजिए मामू, नहीं चाहता कोई भी जाए मामू प्लीज, मुझे सबके साथ रहना है, पूरी फैमिली के साथ रहना मामू। आया आई एम रियली सॉरी, आदि बहुत हॉट है इसलिए उसने तुम्हें साथ बिहेव किया, ही डिडंट मीन इट, इट्स ओके मी, आई अंडरस्टैंड। मैम प्लीज आपकी हेल्प चाहिए मैम, आप कैसे भी करके रूही का डिसीजन बदलवाइए ना मैम, मैम निधि निधि के साथ मैं नहीं जाने दे सकती अपनी बेटी को, वो नहीं है उसके लिए सही, आई रियली नीड योर हेल्प मैम प्लीज, आप प्लीज उसको बस रोक लीजिए कैसे भी मैम प्लीज प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझती हूँ बट ये डिसीजन रूही ने खुद लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, प्लीज अंडरस्टैंड मी। मैम हम क्या करें, हम बताइए हम क्या करें, हमने तो पूरी कोशिश की, हमने जो कर सकते थे हमने उसे बहुत मना ली, यूशी वो नहीं मान रही है, इसमें हम क्या करें अब आगे। इशिता अगर तुम लोगों की इतनी कोशिशों के बाद भी रूही ने अपना डिसीजन नहीं बदला है तो आई एम अफ्रेड शायद उसे जिंदगी में कुछ सबक और सीखने बाकी हैं, तभी वो समझेगी कि मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती दलदल में धकेल दूं। मैं 7 साल इस गिल्ट में जी हूं, 7 साल तक मुझे लग रहा था कि मैंने मेरी बेटी की जान, मैं ऐसा हुआ नहीं, शुक्र है मेरी बेटी जिंदा है लेकिन वो एक दलदल में जी रही थी निधि जैसी औरत के साथ, मैं अपनी बेटी की जिंदगी की कुर्बानी ऐसी दे दूं, सब जानते सोचते समझते हुए मैम मैं नहीं कर सकती अपनी बेटी के साथ ऐसा, प्लीज ना मैम प्लीज। नो इशिता एक डेट, आप डेट आगे बढ़ा दीजिए। नो इशिता मैं कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ भी इलीगल नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझती हूँ पर मैं सचमुच इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी रियली सॉरी। कोई तो प्रोविजन होगा ना, कोई ऐसा लॉ जो आपको लग रहा हो, जस्ट सजेस्ट वन समथिंग, आई डोंट नो व्हाट मैम, मैम आई मैं मेरी रूही को नहीं जाने दे सकती हूँ मैम प्लीज, सॉरी प्लीज। डिसीजन को पोस्टपोन कर सकते हैं, जजमेंट को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, है उसका प्रोविजन लेकिन इशिता उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए ना, एंड इस केस में जैसे तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई हो या तुम्हारे घर का कोई मेंबर क्रिटिकली बीमार हो तब हम जजमेंट पोस्टपोन कर सकते हैं, एंड यू नो ऐसा कुछ भी नहीं है तो इस बात का कोई फायदा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड मी। इशू शांत हो जाओ, शांत हो मायरा, करना करने को रोकेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा, हाँ रोकेंगे कुछ नहीं होगा उसको, देखो रमन का फोन आ रहा है, फोन तो उठाओ ना। इशू बेटा तुम रमन से बात क्यों नहीं कर रहे, उसका कॉल आ रहा है ना, एक बार उससे बात कर लो, वो जरूर कुछ ना कुछ सोचेगा। उनका फोन वो सोचने की हालत में नहीं है, मैं कैसे उठाऊं उनका फोन, मुझे सोचना होगा जो भी सोचना है अभी वो नहीं सोच पाएंगे, सोचेंगे कुछ ना कुछ हल निकलेगा, इशू मेरी बात मानो तो। आपके हॉरोस्कोप्स, आप तो कितना मानती हो रमन सब में, इतने सारे पंडित आप कितनों को फॉलो करते हो, सब कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, करेंगे करना पर तू शांत हो, कोई कथा कराया, हां हां करेंगे शांत, क्या करेंगे हमारे पास वक्त नहीं है, इशू हो जाएगा अब, यू आई लॉयर और कोई जज वगैरह किसी को जानते, हां हां बेटा बात करेंगे करेंगे बात, अब कब बात करेंगे हम, अगर कर रहा है अभी फोन उठाओ अभी बात करो, मैं नहीं जाएंगे किसी जज को, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक रास्ता बताया था क्या, मैंने बोला था कि कुछ हो जाए, हां हो जाए, हाँ मतलब नहीं जज कह रहे थे कि भाई की रास्ता यही वाला सही है, क्या बात कर रही हो बेटा, ये तरीका अच्छा होगा क्या, बस किसी भी तरह से मुझे कुछ हो जाए, इशू कैसी बात कर रहे हैं, बोला मुझे बोला है नहीं अगर मेडिकल इमरजेंसी हुई तो मैं तो फिर रुई रुकेगी, कैसे रुकेगी, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए मेरी बेटी चाहिए, पागल हो गई हो, एक थप्पड़ मारूंगा अगर किसी बकवास की तो, ऐसा पागलपन मैं किया करता था और तुम मुझे रोकती थी, रूही कहीं नहीं जाएगी और तुम भी कहीं नहीं जाओगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक, स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।